Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science. हेलो स्टूडेंट्स, ये एंगुलर जेएस का चैप्टर फर्स्ट है जिसमें हमें एंगुलर जावा स्क्रिप्ट से इंट्रोडक्शन करनी है। जेएस का मतलब है जावा स्क्रिप्ट। इसके लास्ट में जेएस क्यों लगी हुई है ये ज़रा जानते हैं। डेफिनेशन के तौर पे एंगुलर जेएस को कहा जाता है फ्रेमवर्क ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर लैंग्वेज को बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का उपयोग किया गया है। सिंपल शब्दों में आप ये जानें कि एंगुलर को जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में लिखा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड आप किसी भी चीज़ को एंगुलर फ्रेमवर्क में यूज कर सकते हैं। फ्रेमवर्क क्यों बनाया जाता है ज़रा हम जानते हैं। जो काम जावा स्क्रिप्ट कर सकता है वही काम आपका एंगुलर जेएस भी करेगा। इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं होगा, लेकिन इनके कोडिंग में ज़रूर अंतर होंगी। जिस काम को आप जावा स्क्रिप्ट में 10 लाइन्स लिखकर बनाते हो सकता है आप उस काम को एंगुलर में 2 लाइन्स लिख के ही बना सको। तो यहाँ पे कोड की संख्या कितनी कम हो गई जरा आप कंपैरिजन करके देखो। तो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि अगर कोई लैंग्वेज में सभी चीज़ों को बनाना सभी लोगों के बस की बात नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए इस तरह के लैंग्वेजेस के द्वारा जो लैंग्वेज डेवलप की जाती है उन्हें कहा जाता है फ्रेमवर्क। ओके, अब जावा स्क्रिप्ट में क्या है, हर काम को करने के लिए आपको टेक्निकली शुरू से लेकर अंत तक सोचना होगा, लेकिन जो बेसिक प्रोग्रामर्स होते हैं उनके लिए सब कुछ को बनाना जावा स्क्रिप्ट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो जावा स्क्रिप्ट के राइटर्स होते हैं या जो कंपनीज जावा स्क्रिप्ट वगैरह को हैंडल करती है वो लोग हमारे लिए फ्रेमवर्क्स बनाते हैं ताकि हम उनका उपयोग करके सभी कामों को कर सकें जो जावा स्क्रिप्ट करता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई लैंग्वेज किसी लैंग्वेज से बना है जैसे एंगुलर जावा स्क्रिप्ट से बनी है तो एंगुलर को कहा जाएगा एंगुलर लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क लैंग्वेज है। और जिस लैंग्वेज से कोई फ्रेमवर्क बनता है जैसे जावा स्क्रिप्ट से बनी है एंगुलर, तो एंगुलर के लिए जावा स्क्रिप्ट कहलाएंगी रॉ लैंग्वेज। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट रॉ लैंग्वेज एंगुलर के लिए और एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के लिए फ्रेमवर्क लैंग्वेज। ओके, जो भी फ्रेमवर्क लैंग्वेज आप पढ़ोगे उसमें CDN का उपयोग किया जाता है। CDN का मतलब है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक प्रकार का ऑनलाइन लिंक होता है जिसको इंसर्ट करके आप अपने फ्रेमवर्क लैंग्वेज में काम कर सकते हो। सिंपल शब्दों में कहूँ तो CDN लिंक के अंदर रॉ लैंग्वेज में लिखा गया कोडिंग होता है कि आपका एंगुलर यानी कि आपका फ्रेमवर्क लैंग्वेज काम कैसे करेगा। अब जैसे आपको एंगुलर में कोडिंग करनी है तो सबसे पहले आपको एंगुलर की CDN एंगुलर के वेबसाइट से इंसर्ट करनी होगी। ये इंसर्ट करने का मतलब ये हुआ कि एंगुलर के लिए जो कोडिंग जावा स्क्रिप्ट में की गई है वो सारी कोडिंग आपके वेब पेज में इंसर्ट हो जाएगा, तब आप एंगुलर का उपयोग कर पाओगे। ओके, एंगुलर यूज करने से क्या बेनिफिट मिलेगा जरा हम जान लेते हैं। सबसे पहला चीज़ कि जावा स्क्रिप्ट के सभी कामों को आप कर पाओगे कम से कम लाइंस को लिखकर, यानी कि प्रोग्रामिंग की संख्या आपकी बहुत कम हो जाएंगी और बिल्कुल प्रोफेशनल वे में आप उन सभी कामों को कर पाओगे जो जावा स्क्रिप्ट करता है। दूसरा, ये फेमस है आपका SPA के लिए यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है जरा जानिए। एक वेबसाइट में कई सारे मेन्यूज होते हैं, होम, इमेजेज, वीडियोज, तो आपने देखा होगा हर मेन्यूज के लिए आपको अलग अलग पेजेज बनाने होते हैं। लेकिन अगर आप एंगुलर फ्रेमवर्क को पढ़ोगे तो सभी मेन्यूज के लिए आपको अलग अलग पेजेज बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप एक ही पेज में कोडिंग कर पाओगे और डिफाइन कर पाओगे कि इमेज पे क्लिक करने पे सिर्फ इमेज ही खुलेगा, वीडियो पे क्लिक करने पे सिर्फ वीडियो ही खुलेगा। ओके, और भी कई सारा बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा तो आपकी टाइम की बचत होगी, लाइट वेट आप एप्लीकेशन बना पाओगे यानी कि आप बड़े से बड़ा एप्लीकेशन हल्के शब्दों में बना पाओगे। और भी कई सारे बेनिफिट्स है,
पढ़ाई के तौर तरीकों के अनुसार सब कुछ आप सीख जाओगे। शुरुआत करते हैं कि एंगुलर जेएस में कोडिंग आपको कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एंगुलर के सीडीएन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसी लिंक के अंदर एंगुलर जेएस से रिलेटेड सारी कोडिंग मौजूद होंगी। सीडीएन प्राप्त करने के लिए आप राइट करो एंगुलर जेएस सीडीएन गूगल। गूगल ने ही एंगुलर जेएस को डेवलप किया है, तो जो सीडीएन गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा आप उसी सीडीएन को प्राप्त करोगे। जो फर्स्ट लिंक अपीयर होंगी आप उस पर क्लिक करो। यहाँ पे आप देखो यहाँ एंगुलर जेएस की सीडीएन मौजूद है। आप इसको कॉपी कर लो और अपने पेज में जाओ जहाँ पे आपको HTML की कोडिंग करनी है। सिंपली हेड सेक्शन के अंदर आप इस सीडीएन को इंसर्ट कर दो। ओके, मैंने हेड के अंदर इसे पेस्ट कर दिया। अब एक काम करता हूँ, बॉडी को शुरू करके इस तरह से बंद कर दूँगा। सिंपली कहीं भी आप सेव कीजिए। मैं काम करता हूँ डेस्कटॉप पे टेस्ट के नाम से सेव करूँगा, एक्सटेंशन कोड .html रखूँगा। आप देखो ये जो एंगुलर की फाइल है ये किस फॉर्मेट में है, .js। इसका मतलब क्या हुआ, इस फाइल के अंदर पूरी कोडिंग जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में ही की गई होंगी, यानी कि एंगुलर जेएस का पूरा चीज सिर्फ जावा स्क्रिप्ट के शब्दों में लिखा गया है। इसलिए कहा जाता है कि एंगुलर जेएस जावा स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, अब सीडीएन इंसर्ट कर देने का मतलब है आप फ्री हो, अब आप अपने पेज में एंगुलर जेएस का उपयोग कर सकते हो। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे सभी वीडियोज़ में आपको रिकमेंड किया जाता होगा कि आप हमारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ पे YouTube पे जो भी वीडियोज प्रस्तुत किए जाते हैं वो हमारे द्वारा सिर्फ डेमो होते हैं, सिर्फ आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाता है कि वेब इंस्टीट्यूशन में किस तरह से पढ़ाई होती है। क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो, जो हमारे द्वारा बेनिफिशियल आपके लिए होता है वो हम आपको रिकमेंड करते हैं। अब एक सॉल्यूशन, जरा उसके बारे में जान लीजिए। आप असमर्थ होते हैं ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे चैनल से पढ़िए, इतनी वीडियोस तो एटलीस्ट अपलोड हो जाती है जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो अगर आपने बस उतना ही पढ़ा है तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि आप अब कहीं से भी पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएंगी। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि वेट कीजिए कि हमारे चैनल्स पे ही पूरी एजुकेशन अपलोड होंगी तभी आप पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर डेमो होते हैं। फुल एजुकेशन लेने के लिए आपको कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करनी होती है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वीक है या आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप कहीं से भी ट्यूटोरियल को सर्च करके पढ़ सकते हैं, अगर आपने यहाँ से किसी भी लैंग्वेज की बेसिक्स हमारे द्वारा पढ़ी है तो। यहाँ बेसिक्स आपकी इतनी क्लियर करवा दी जाती है कि आप कहीं से पढ़ेंगे तो आपको आगे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ओके, वीडियो में परफेक्शंस लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए। कोई प्रॉब्लम्स या क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पर क्लिक करें। सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to Web Institute and get the international education about computers and technical science.